के लिए पहले आपको ये कार्ड बनानी होगी और फिलहाल ये कार्ड जो है अभी हमें रिचार्ज करनी होगी। ब्राउन शुगर डाल दो अलग से, डाल दीजिए ना, कोई बात नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट शो। फिलहाल अभी आप देखो एक बिल्कुल सा नया जगह, एंड मैं बता दूं फाइनली कि मैं पुणे में नहीं हूँ बल्कि मैं कुछ काम से मालदा आया हुआ था, एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे कोलकाता आना पड़ा कुछ काम से। तो फिलहाल आज रात मैं स्टे करने वाला हूँ कोलकाता में, और अभी मैं हूँ रंगोली मॉल। और ये जो सेक्शन देख रहे हो, ये फूड कोर्ट उसके ऊपर वाला, ये लगभग बहुत बड़ा मॉल है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड हम लोग ने नीचे शॉपिंग वगैरह जो करना था हमारे दोस्तों को मैंने क्लियर कर लिया, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक बार मैं कैमरा ले लेता हूँ अपने हाथों पे, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये फूड कोर्ट एरिया जो कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। तो मैं एक बार दिखाने वाला हूँ आपको ये एरिया। और अच्छा, सबसे ज़रूरी बात, पहले जो भी हमारे न्यू है लाइक करें, शेयर कर सकते हैं, फेसबुक करें, फॉलो कर ले, और जिन्होंने अब तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा ले। बाकी बात खाने पीने वाले हैं और देखते हैं क्या खाने वाले हैं, तो चलिए हम चलकर दिखाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा खाने पीने के हर एक वो ब्रांड जो आपको पसंद हो। तो ये एरिया जो है फूड कोर्ट एरिया है, और लाइक यहाँ पे आपको एक टैटू वाला भी मिल जाएगा यहाँ पे टैटू। तो ये मुझे नहीं पता भाई क्या है वो। तो ये आपको यहाँ पे खाने पीने के कुछ ब्रांड्स मिल जाएंगे यहाँ पे, वो मोमो, चिंगो पिज़्ज़ा, एंड और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अभी तक हमारे ब्लॉग में नहीं आए। नेचुरली सबके पर्टिकुलर एक वीडियोस आए थे, बट ये सब आपको एक ही जंक्शन में मिल जाएगा यहाँ पे सारा कुछ। और ये लगभग देख रहा भाई कितना बड़ा ये फूड एरिया है, फूड कोर्ट है, जहाँ पे लगभग आराम से 100-150-200 आदमी बैठ के आराम से खा पाएंगे। और यहाँ पे मतलब भाई, तो भाई फ़िलहाल अभी मैं हूँ KFC में। इनसे पहले जो हमारे KFC बिरयानी वाला ब्लॉग देखा था, तो फिलहाल अभी हमने डिसाइड कर रखा है KFC का कुछ बर्गर खाने का। तो मेरे को इधर कुछ दिख नहीं रहा। हाँ जी सर, कैमरा इधर वो हुआ यूँ ऐसा कि KFC वाले ने हमें थोड़ा कैमरा के लिए इशू कर दिया, तो हमने उनका स्टोरी छोड़ दिया। और फिलहाल अभी हुआ मैं यहाँ पे चाय ब्रेक एक्सप्रेस पे, और यहाँ पे कुछ आइटम देखने वाला हूँ। तो पता नहीं यहाँ पे जो भी मिलेगा भाई, छोटा सा हम लोग कुछ स्नैक्स के तौर पर लेने वाले हैं, एंड उनके बाद जो है रात का डिनर सेट है। तो भाई कोलकाता में और कोलकाता का बिरयानी रात को ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो रात का जो डिनर है वो सेट है। अभी थोड़ा सा हम लोग कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं, सो देखते हैं क्या ऑर्डर मिलता है। इसके लिए पहले आपको ये कार्ड बनानी होगी, और फिलहाल ये कार्ड जो है अभी हमें रिचार्ज करनी होगी। तो भाई यहाँ पे ये कार्ड को हम लोग रिचार्ज कराने वाले हैं, और ये आ गया हमारा इन कार्ड पे रिचार्ज 350 का मैंने कराया। और अब ये कार्ड ले जाके हम लोग देने वाले हैं उन स्टोर में वहाँ पे, तब जाके ये लो भैया कार्ड, और अब जाके इन फिर इनसे ये बैलेंस काटेंगे। यहाँ पे कैश वाला वो नहीं होता है, लिक्विड रेशो पे काम होता है। ओके, तो भाई यहाँ पे 160 काट के हमें कार्ड दे दिए, और अब हम लोग 10 मिनट्स वेट करने वाले हैं। मैंने अब सेकंड ऑर्डर पे आ रखा है, तो मैंने लेना है एक कैपेचिनो और एक कोल्ड कॉफ़ी। तो यहाँ भी सेम कार्ड वाला, बस यहाँ भी सेम कार्ड वाला उपाय है मेरे। अभी हमने एक हमने पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया, और एक हमने किया एक कैपेचिनो स्ट्रॉन्ग और एक कोल्ड कॉफ़ी। फिलहाल हम यहाँ पे बैठते हैं, और दोनों ने हमें 10-10 मिनट के टाइम दे रखे हैं, तो फिलहाल हम बैठ के गप्पे लगाएंगे, और उनके बाद ही फिर पता नहीं जो करने वाले हैं। इधर बैठे जी। तो भाई हमारा कैपेचिनो और कोल्ड कॉफ़ी हो गया पहले, तो ये आ गया मैं भैया के पास। भैया इधर नहीं होगी शुगर की, तो ब्राउन वाइट, एक मिनट, ब्राउन शुगर डाल दो। हो गया, थैंक यू। ओके भाई चलो, अभी किचन में वाला हूँ। पिज़्ज़ा वालों के पास से कि हमारा पिज़्ज़ा हुआ कि नहीं, क्योंकि 10 मिनट से तो ऊपर हो गए भाई, तो देख लो भैया पिज़्ज़ा हो गया क्या। चलो सही समय पे आ गया मैं, डाल दें अलग से, डाल दीजिए ना, कोई बात नहीं। चिली पे? हाँ हल्का,
सॉस वॉस कुछ डालो। हाँ दे रहे। तो ये हमारा पिज्जा तो ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा। मतलब ये मैं लग रहा है मेरे को आईसी पांडा के बाद मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे फिर पिज़्ज़ा के लिए ऑर्डर किया के लिए। तो चलिए भाई खाते हैं इनको एंड ट्राई करते हैं। मेरे को बेसिकली वैसे पिज़्ज़ा पसंद है नहीं बट थोड़ा टाइम पास के लिए खा ही लेते हैं। तो ये आ गया हमारा पचीनो और इनको थोड़ा कैपचीनो इनको थोड़ा मिला लियो भाई। इनमें ब्राउन शुगर डाल दिया क्या? एक दोस्त है जिनको ब्लॉग पे लेना और ये हमारा कोल्ड कॉफ़ी ठंडियों के टाइम में कोल्ड कॉफ़ी। हाँ और ये रहा हमारा पिज़्ज़ा। छोटा है बट टेस्टी है। नॉनवेज अब मैं लेने वाला हूँ साथ में कोल्ड कॉफी। इतने भाग दौड़ के बाद अगर आपको थोड़ा शाम के स्नैक्स में अच्छा कुछ मिल जाए ना भाई मज़ा ही कुछ अलग है। तो फिलहाल अब खाना वाना फिनिश करते हैं और ये कैपेचिनो मैं ये भी थोड़ा पीछे दिखाई दूँ आपको भाई। ये अभी जो भी चाय है मेरे से के लिए बहुत पीता ही है। ठीक है फिलहाल हम खाते पीते हैं और अगर मैं नीचे जाऊँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉग में और भी कुछ रात का डिनर भी दिखाने वालों खा करने वाले हम लोग अगर पॉसिबल है तो। हाँ तो भाई मैंने एक बेल्जियम और एक हमने बटर स्कॉच ऑर्डर किया है भाई कार्ड से पेमेंट कर दियो। ये है इनका आइसक्रीम पार्लर और भाई मतलब ठंडियों में ज़्यादातर आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। तो थोड़ा हम भी ट्राई करने वाले वैसे फिलहाल तबीयत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था बट जब इतने बड़े मॉल में जब आए हो भाई थोड़ा सा मज़ा ही नहीं लिया तो फिर बेकार है ना। ये हमारा देख लो भाई डाल दिया मैंने हमारा ऑर्डर बिल भाई वहाँ पे देख रहे हो वो रहा बार द मिल उनके बगल में वाइन शॉप है और इधर आप आ जाओ तो भाई आइनॉक्स हो गया। मतलब हम लोग अभी बैठे थे उस तरफ और अब हम लोग इस तरफ आए हुए हैं तो यहाँ पे आपको रिलायंस का डिजिटल स्टोर क्लब मतलब एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग आपको जो भी ज़रूरत है ना भाई वो सारे के सारे मिल जाएंगे। अभी मैं अगर इधर आता हूँ तो ये आपका हो गया भाई द मिल वाइन शॉप और ये बार लॉन्ग्स यहाँ पे सारे कुछ मिलते हैं। तो मैं इसको डाल लेता हूँ भाई अपने पॉकेट पे। ये आ गया हमारा आइसक्रीम और देखो भाई ओए तो ये हमारा आइसक्रीम आ गया और अभी हम लोग इन खाने वाले हैं भाई। ये है एक बेल्जियम चॉकलेट इसको थोड़ा ट्राई करो भाई बढ़िया है। और ये हमारा बटर स्कॉच ये तो भाई खैर सबका फेवरेट होता है। हाँ तो भाई हमारा हो गया आइसक्रीम फिनिश और अब हम जाने वाले हैं अपने मतलब अपने दोस्त के घर पे और फिर वहाँ पे जाके हमारा पहले अच्छे से क्या होने वाला है। फिलहाल डिनर का कुछ सोचा नहीं है मैंने सोचा कि यहाँ भी चले जाते हैं बट अभी यही 8 बज रहा है और अभी थोड़ी लेट फूल है तो हम लोग कुछ पैकिंग करके घर पे लेके जाएंगे। एंड आई थिंक आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो और अगर बेसिकली अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो टाइम मिले तो मैं नीचे भी शेयर करूँगा। तो फिलहाल मैं इधर ही ब्लॉग को एंड करता हूँ एंड मिलते किसी को तो घर पर ऐसे फ्रेंड्स रहते हैं।